अब सभा की कार्यवाही 4:50 बजकर तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। भोजनावकाश के बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू की गई। आपको बताएं कि इस बार भी स्पीकर विजय सिन्हा सदन में नहीं पहुंचे, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाने लगा और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सदन को ही स्थगित कर देना पड़ा। तो आपको बताएं कि आज सुबह से ही विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। आज सदन में काली पट्टी बांध कर जो विपक्ष है वो पहुंचा है और आज के दिन को काला दिन उनकी तरफ से बताया जा रहा है। ऐसे में आपको बताएं कि भोजनावकाश के बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन स्पीकर विजय सिन्हा वहां मौजूद नहीं थे, जिसको देखकर विपक्ष को गुस्सा आ गया और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सदन को स्थगित करना पड़ा। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सदन के भीतर से देखने को मिली है और हंगामे के बीच सदन को आखिर किस तरह से स्थगित किया गया है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव सुकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय कार्य जाएंगे। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय दिया जाएगा। दल का नाम राष्ट्रीय जनता दल 56 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 55 मिनट, जनता दल यू 33 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 14 मिनट, CPIML 9 मिनट, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन 4 मिनट, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 3 मिनट, विकासशील इंसान पार्टी 2 मिनट, CPIM 2 मिनट, CPI 2 मिनट, कुल 180 मिनट। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 154,56,46,56,000 रुपये से अनाधिकृत राशि प्रदान की जाए, यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग पर माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दुबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजय कुमार सिंह, श्री सैयद रुकनुद्दीन अहमद, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम, श्री सत्यदेव राम एवं श्री छत्रपति यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये सभी व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दुबे का प्रस्ताव प्रथम है, अतः माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दुबे अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। आप सबों से आग्रह है अपने स्थान पर बैठिए। आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय विजय शंकर दुबे से आग्रह है अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। कृपया शांति बनाए रखें, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाइए। माननीय सदस्य विजय शंकर दुबे जी, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाएं। आप लोग शांति बनाए रखें, कटौती प्रस्ताव पेश होने दीजिए। आपके बातों पर विचार हो चुका है, कृपया शांति बनाए रखिए। माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दुबे जी अपना कटौती प्रस्ताव पेश करें। सभापति महोदय, आग्रह है महोदय कि हाउस ऑर्डर में तो आए। हम आग्रह कर रहे हैं माननीय सदस्यों से अपने स्थान पर बैठें ताकि दुबे जी अपना प्रस्ताव पेश करें। क्या आप अपना प्रस्ताव मूव करें? माननीय सदस्य विजय शंकर दुबे जी अपना, ये हाउस में तो ऑर्डर में आए।
हमारा आग्रह है माननीय सदस्यों से जगह पर बैठ जाएं प्लीज। अब सभा की कार्यवाही 4:50 बजकर तक के लिए स्थगित की जाती है।